इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे धर्मेंद्र आर्य, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो कि हमें इस मामले से जुड़े लीगल पॉइंट्स हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, और भोपाल से प्रकाश मीरचंदानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जयललिता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अम्मा की 4 साल की सजा रद्द। आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी जयललिता, दिल्ली से चेन्नई तक समर्थकों में जश्न। जयललिता का सीएम बनने का रास्ता साफ। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने 39 साल पुराने केस और स्पेशल कोर्ट का फैसला कमजोर होने के आधार पर जयललिता समेत 3 और आरोपियों को बरी कर दिया है। पेशक रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा कि जयललिता की आय से अधिक संपत्ति 8.12% थी, जो 10% से कम है और स्वीकार्य सीमा में है। आंध्र प्रदेश सरकार तो आय से अधिक संपत्ति 20% होने पर भी उसे जायज मानती है, क्योंकि कई बार हिसाब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। जो संपत्तियां खरीदी गईं, उसके लिए आरोपियों ने नेशनलाइज्ड बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था। निचली अदालत ने इस पर विचार नहीं किया। यह भी साबित नहीं होता कि अचल संपत्तियां काली कमाई से खरीदी गई, आय के स्रोत वैध पाए गए हैं। निचली अदालत का फैसला कमजोर था, वो कानून की नजरों में नहीं टिकता। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ ने AIADMK महासचिव और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को 66.65 करोड़ रुपए के आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल 27 दिसंबर को निचली अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि जयललिता की आय से अधिक संपत्ति महज 8.12% ही ज्यादा थी, जो 10% से कम है और स्वीकार्य सीमा में है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने जो संपत्ति खरीदी थी, उसके लिए उन्होंने नेशनलाइज्ड बैंकों से बड़ा कर्ज लिया था और निचली अदालत ने इस पर विचार नहीं किया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से कमजोर बताया। हाई कोर्ट के जस्टिस कुमार स्वामी ने कृष्णानंद अग्निहोत्री केस का हवाला देते हुए कहा कि इस केस के मुताबिक स्थापित नियम है कि जब आय से अधिक संपत्ति 10% तक हो तो आरोपी बरी होने का हकदार है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश सरकार तो ये सर्कुलर जारी कर चुकी है कि अगर आय से अधिक संपत्ति 20% तक हो तो वो भी स्वीकार्य सीमा कहलाएगी। वह जयललिता पर आए फैसले पर नाराजगी जताते हुए सरकारी वकील ने कहा है कि उनके पास इस मामले में पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उन्हें अम्मा के खिलाफ दलीलें रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया गया। आपको बता दें कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर BV आचार्य ने इस मामले में जयललिता के खिलाफ कर्नाटक सरकार की तरफ से पैरवी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। 19 साल पुराने इस मामले में फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का आया है। लीगल पॉइंट्स इसके जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स रहे जिसके चलते कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेहद ही जल्दी से जो अपना फैसला है वो सुना दिया। धर्मेंद्र आर्य जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र आर्य जी, इस पूरे मामले के अगर लीगल पॉइंट्स पर अगर डिस्कशन किया जाए, काफी जल्दी कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। देखिए, दरअसल बात यह है कि जल्दी या देरी इसमें नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ता है कि क्वालिटी जजमेंट है या नहीं है जी। कि वो जो जजमेंट है वो एज पर लॉ है या नहीं है जी। अब देखिए, जिस तरीके से जो है उच्च अदालत को पूरा अधिकार होता है, जिस क्योंकि ये पहली अपील थी जी, और वो पहली अपील में ये पूरा अधिकार होता है, जो ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस है वो पूरी की पूरी एविडेंस जो है वो अपेलेट कोर्ट जो है उसको पढ़ सकता है, उसको जो है कंसीडर कर सकता है।
और जिन भी मटेरियल एविडेंस या जिन डॉक्यूमेंट्स पर जो है प्रोसिक्यूशन जो अपने एज ए गवाही पेश कर रहा है उन सबको कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने यह पाया कि जो गवाह प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने पेश किए थे उन गवाहों की गवाही के अंदर काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं और उन डिस्क्रिपेंसीज को मद्देनजर रखते हुए जो है यह एक्विटल का केस बनता है। और जिस प्रकार से कैलकुलेशन की गई थी उनकी सारी की सारी असेट्स वो कैलकुलेशन भी जो है प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं थी। उन्होंने देखा कि जो वैल्यूएशन किया गया था असेट्स का वो बहुत ज्यादा था, उस बेसिस को जो जिसके बेस मानते हुए कि जो कैलकुलेशन की गई थी उसको आधार नहीं माना, इस वजह से ये सारे की सारी बात आई है। तीसरी बात, जैसा कि बैंकों से ऋण लिया गया था, बिल्कुल उन सारे के सारे बैंकों को जो है ना ऋण जो है उनकी आय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि क्या है कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लेकर के अगर कोई संपत्ति वो की है एक्वायर की है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी आय है, वो तो बैंक से उसने लोन लिया है और उसके बाद उसको बैंक का लोन चुकाना है और उसके बाद जो सारी की सारी संपत्ति कंपनीज की थी या जो फर्म की थी या और बाकी लोगों की थी उन सबको जो है खाली जो है जलील ललिता के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं जी, कभी तो हाई कोर्ट ने ही तो बरी किया है। इसके बाद अगर मान लो प्रोसिक्यूशन ये सोचता है कि उनके द्वारा दी गई दलीलों को नजरअंदाज किया गया है या उनके द्वारा जो वैल्यूएशन किया असेट्स का वो सही है तो इस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसको कोई नहीं रोकता। सही है या प्रावधान है ये कानून के तहत की दूसरे पक्ष को सुने बिना ही आप एक्विटल दे दो इतने बड़े केस? देखिए ऐसे के इतने बड़े केसेस में जैसा हाई प्रोफाइल मैटर है वैसे जनरली ऐसा नहीं होता कि दूसरे पक्ष को जो है पूरा मौका ना दिया गया हो या पूरा जो है उनको ना सुना गया हो और केवल मात्र जो है अनन फानन में ही जो है इसका निर्णय दे दिया गया हो। इस अगर मान लो ऐसी कोई भी बात हुई है तो आपके रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अभी खुले हुए हैं। प्रोसिक्यूशन को ये चाहिए ये सारी बातें जो है पूरी तरह से जो है सरकार की नॉलेज में लाए और फिर जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाए। और दूसरी बात, अगर मान लो प्रोसिक्यूशन नहीं जाता तो उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कंप्लेनेंट यानी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो है इस मामले को चैलेंज कर सकते हैं। वो सारी की सारी बातें जो तथ्य वो जो है निचली अदालत के सामने लेकर आए थे अपनी कंप्लेंट में लेकर के आए थे वो सारे के सारे तथ्य जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ला करके जो है इस निर्णय को चैलेंज कर सकते हैं और वो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो वैल्यूएशन किया गया है माननीय हाई कोर्ट ने ये वैल्यूएशन जो है प्रॉपर नहीं है। तो उस अभी रास्ते पूरे खुले हुए हैं और किसी भी तरह से जो है रास्ता बंद नहीं हुआ है। कल बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश मीर चंदानी जी भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। प्रकाश मीर चंदानी जी, आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया आय से अधिक संपत्ति मामले में AIADMK प्रमुख जयललिता को, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए हम तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया हम उसका स्वागत करते हैं जी। मुझे लगता है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था जी। जय जय जयललिता जी के और करुणानिधि के किसके कैसे संबंध है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे देश को पता है जी। और इस पूरे विषय में कोई टेक्निकली आंकड़े बाजी करके और जयललिता जी के ऊपर केस लगाकर कोई राजनीतिक सत्ता को हासिल करने का ये सारा विषय मुझे लगता था जी। और चूंकि हिंदुस्तान में कानून का राज है, हिंदुस्तान में कानून बरकरार है, निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। इससे ज्यादा मुझे वो कुछ नहीं लगता। एक बात आपने कही कि सबको पता है, देश को पता है कि डीएमके और AIADMK बीच में क्या रिश्ता है, करुणानिधि और जयललिता के बीच में। पूर्व आप जाहिर कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत आप कर रहे हैं, हम भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, हम स्वागत करते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन ये बायस्ड है फैसला ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जो एक बात आपने कही जो राजनीति है और इसमें डीएमके और AIADMK के बीच की राजनीति है, तो फिर आपके नेता ने कंप्लेन क्यों किया था? मेन तो आपत्ति बीजेपी को थी, बीजेपी के नेता जो है वो कंप्लेन किए थे, उस कंप्लेन के आधार पर ये केस आगे चला है। आपको भी पता है कि किन ने कंप्लेन की थी और वो कब भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हुए हैं जी। निश्चित रूप से हर मुद्दे जब वो जनता पार्टी में भी थे, अलग भी थे, तो भी आपकी सहानुभूति, आपकी पार्टी की सहानुभूति थी। सेतु समुद्रम वाले मामले में भी वो भी उसी ने सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उठाया था, लेकिन आपकी पूरी पार्टी उसके पीछे लगी हुई थी, ये भी सबको पता है। लेकिन कल की उनकी टिप्पणी देखिए, सब मैं आपको बता रहा हूँ, कल की उनकी आप टिप्पणी देखिए, उन्होंने शब्दों में कहा है
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता नहीं है, प्रोसिक्यूशन अपील फाइल नहीं करता, एसएलबी फाइल नहीं करता, तो उस सर्कमस्टांसिस में मैं स्वयं जाकर के जो है एसएलबी सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूंगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य लेकर के आऊंगा जो मैंने निचली अदालत में रखे थे। जी प्रकाश जी क्या कहेंगे? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि पीछे भी अभी उन्होंने एक बयान दिया था हमारी सरकार केंद्र की सरकार के खिलाफ भी कि रफाल के मामले में, रफाल जो फाइटर प्लेन हमने खरीदे थे, निश्चित रूप से वह जब उन्होंने उस पूरे विषय को समझा और सारी गलत फहमियां जब उनकी दूर हुई, निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, हो सकता है निश्चित रूप से जल्दीबाजी में अगर कोई बयान दिया होगा, और वो मुझे लगता है कि इस बात की भी पूरी समीक्षा करेंगे कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अगर माननीय हाईकोर्ट उसमें कोई निर्णय दे रहा है उसके सारे पहलुओं को देख के ही निर्णय होता है, कोई इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि तमाम आपके पास विधि के जानकार लोग भी वहां बैठे पैनल में, कोई भी जज या कोई भी पैनल जो कोर्ट का होता है वो कभी भी ऐसा आनन फानन में कोई डिसीजन नहीं देता, सारे पहलुओं को देखते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि उनके वर्डिक्ट के बाद अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पर अगर वो वर्डिक्ट पलट दिया जाता है निश्चित रूप से उनके लिए सम्मानजनक स्थिति नहीं रहती है। प्रकाश जी हालांकि निर्णय दिया है जी, प्रकाश जी हालांकि इसका राजनीतिक पहलू अगर मैं समझना चाहूं तो एक तरफ तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि अगर कर्नाटक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो फिर मैं खुद जाऊंगा, दूसरी तरफ जब ये कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जयललिता पर आता है तो सबसे पहले मुबारकबाद देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, क्या माने निकाले जाए कि राज्यसभा में डीएमके का साथ तो नहीं? ना ना ना, ये आपकी ये आपका परसेप्शन है, हमारा नहीं है जी। हम तो उस कानून के हर निर्णय का स्वागत करते हैं जो विधि संगत है, जो न्याय संगत है, और हमें लगता है कि न्याय संगत निर्णय हुआ है और व्यक्ति को जो है स्पष्ट रूप से जो भी फैसला आया है वो स्वागत योग्य है, हम कानून को धक्का लगाने की हम राजनीति नहीं करते। क्या हम ये समझें कि अगर कर्नाटक सरकार जो है वो ऊपरी अदालत में नहीं जाती है तो सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं जाएंगे अपनी तरफ से? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो तो उस बात का जवाब बोल नहीं, पहले तो आप बता रहे थे कि हमारी पार्टी में नहीं थे, आप तो पार्टी में है, पार्टी का फैसला अगर ऐसा है जैसा कि आप बता रहे हैं कि नहीं, देखिए स्वागत योग्य है, मेरी बात समझ लीजिए, ये सारी बातें करना प्री मेजोरिटी मतलब तत्कालिक बातें हो सकती है, मुझे लगता है प्री मेच्योर बातें हैं ये सारी, अभी तक तो पूरा निर्णय लोगों के हाथ में आया भी नहीं है, तुरंत प्रतिक्रिया यही है कि हाँ निश्चित रूप से उनको रिलीफ मिला है और उनको बरी किया गया है, ये पूरे निर्णय का एक पार्ट हो सकता है, अब उसके अंदर पूरी जब स्टडी करेंगे, निश्चित रूप से सुब्रमण्यम स्वामी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और वो पूरे पहलू को देखेंगे समझेंगे और अगर उनको लगता होगा कि ठीक निर्णय हुआ है निश्चित रूप से वो बात को मानेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, निश्चित रूप से एक चर्चित पूर्व मुख्यमंत्री है, वो पूरे देश में एक स्थान रखती है, इस नाते से उनको और उनका जो जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम लड़ाइयां लड़ी हैं जयललिता जी ने, और उनके समय में राज्य ने प्रगति की है, विकास किया है, और निश्चित रूप से मेक इन इंडिया में अगर वो हमको सहयोग करती है तो हमें उनका सहयोग लेने में भी कोई गुरेज नहीं है जी। चलिए इस पूरे मामले पर यानी कि कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जयललिता को बरी किए जाने पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा दें। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हैं, आपने जिस तरह से अम्मा को रिलीज किया है क्या कहेंगे आप, क्या चुनाव की तैयारियों के कारण इस तरह का फैसला है? कभी भी न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, न्यायपालिका का मामला है, जो उन्होंने जैसा ठीक समझा है नहीं समझा है क्या किया है वो उनका दायरा है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। देखिए मैंने कहा कि न्यायपालिका के बारे में क्या मैसेज जाता है वो जनता को अपने आप निश्चय करना है, न्यायपालिका क्या निश्चय करती है क्या उसके बारे में देखती है उसके बारे में किसी को भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए, मेरे को तो कुछ बदलता दिखाई नहीं दे रहा, पहले भी उनका वर्चस्व था अभी वर्चस्व है। तो अम्मा के अंदर होने या बाहर होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, जो उनका वर्चस्व है वैसा ही बना हुआ है, हालांकि जेल के बाद बाहर की हवा अम्मा के लिए यकीनन काफी ताजी होगी। तो काफी तोलमोल के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें कि दर्शक भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं सुन लेते हैं जी।
खुरेजी भाव से पहले बात तो मुझे मैं आपके साधना न्यूज को बधाई देना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है मैडम ये आपका जी वंदे मातरम और थोड़ा हमारे गांव में लाइट चली आती है। मैं खुरेजी गांव से बोल रहा हूँ मैं जी आज का इतनी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन अब मेरा शुक्र ऊपर वाले का मैं शुक्र अदा करूंगा फोन मिल गया जी। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ आपका मुद्दा अच्छा है कि जयललिता को जो दोबारा शपथ दिला रहा है तो मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि ये अंदर जाते क्यों है। इससे तो अच्छा जो 13 लाख आदमियों का पेट पाल रहा है सारा श्री यानी सुब्रतो राय जो सारा श्री के मालिक है उनको क्यों नहीं बाहर कर देते उनको किस सियासत की भेंट चढ़ा रखा है। फिर मोदी जी उनको बधाई देते हैं यानी जो अंदर जा रहा है कि अंदर तो अच्छा काम करने जा रहा है क्या जेल में उसके बाद आगे फिर उनको अवार्ड मिल रहा है मुख्यमंत्री का ये हो क्या रहा है। ऐसे सलमान खान को छोड़ देते हैं ऐसी मतलब सेलिब्रिटी का तो ऐसा कर रखा है कि अंदर टहलने जाते हैं जेल के अंदर और फिर भ्रष्टाचार करके फिर उनको उसी अपने मुख्यमंत्री या ऐसा दावेदार बनाए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधना न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि वंदे मातरम के जरिए इतने अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं और हम लोगों को भी दर्शकों को भी मौका देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बिल्कुल जयललिता को लेकर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अभी आ रही हैं। हालांकि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात की जाए तो काफी तोल बोल के आ रही है। मुकेश जी अब जिस तरीके से जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का है उसके बाद ये लग रहा है कि एक नया राजनीतिक पुनर्जन्म हुआ है जयललिता का। बिल्कुल राजनीतिक पुनर्जन्म तो हुआ ही है साथ में जो एक वैक्यूम होने जा रहा था तमिलनाडु की राजनीति में वो भी कहें जो वो वैक्यूम अब नहीं हुआ और एक तरह से वीके सिंह हो चाहे जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश बीरचंदानी जो बैठे हैं भोपाल में उन्होंने जो कहा है कि इसका कोई राजनीतिक असर नहीं पड़ेगा लेकिन बिल्कुल नहीं राजनीतिक असर तो पड़ना है। बीजेपी को अपना एक्सपेंशन करना था साउथ में और जयललिता को जब सजा हुई थी तो उसके बाद बीजेपी के मन में जरूर यह था कि अगर वहां एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को बीजेपी भरने के लिए अपने आप को वहां अपने संगठन को वहां खड़ा जो है फिर से कर सकती है वो वहां पर। लेकिन फिर से जयललिता के वापस आ जाने से अगर एक्यूटल अगर वो मान लीजिए जमानत होती तो बात अलग थी लेकिन ये एक्यूटल हुआ है तो एक्यूटल होने से जो आप कहें जो बीजेपी सोच रही थी जो फिर हम तमिलनाडु में खड़े होंगे अपने संगठन को खड़ा करेंगे वहां पे तो मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद से बीजेपी को फिर से रीथिंक करना होगा और उसको किसी ना किसी वैसाखी के सहारे ही जो है वहां पर चलना होगा। अपने बूते जो वो खड़ा होने की बात वहां पर कर रही थी या कि बिल्कुल कहें साउथ में वहां तो बीजेपी का उतना कुछ नाम लेवा भी कोई नहीं है वहां पर तो उनको किसी ना किसी के साथ ही चलना था वहां पर लेकिन इस फैसले के बाद जो है राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को जो है नुकसान हुआ है मुझे लग रहा है। जी धर्मेंद्र जी लीगल पॉइंट्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। सेशन कोर्ट द्वारा तमाम तरीके के बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही इस तरीके का फैसला आया था बावजूद इसके कर्नाटक हाईकोर्ट में जब ये पूरा का पूरा मामला गया उस दौरान कई तरीके के महत्वपूर्ण बातें कही गई जो भी आपने इस चर्चा में रखी है तो क्या मेरा सवाल यह है कि क्या सेशन कोर्ट ने उन सब पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाता है सजा देता है लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट उसे पलट देता है। देखिए दरअसल बात यह है ये रोजाना हम देखते हैं कोर्टों के अंदर ऐसा होता रहता है। जी देखिए कानून क्या कहता है कानून ये कहता है कि चाहे हजार बेगुनाह जो है ना गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। निचली अदालत ने सजा दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हाईकोर्ट है उस निर्णय को जो है पलट नहीं सकता हाईकोर्ट जो है उसके खिलाफ जो है अपना ऊपरी अदालत इनफैक्ट होता ही इसीलिए कि नीचे में अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो ऊपर में सुधार आ जाता है। निचली अदालत जो है इतनी तथ्यों को जो है नजरअंदाज कर देती है तो इसलिए जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और वो ज्यादा जो है उनका जो सोचने का नजरिया है वो काफी बड़ा होता है और कानून पर उनकी जो है पूरी तरह से महारत हासिल होती है और उसके बाद जो है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूरी गवाही को पढ़ा है सारे तथ्यों को देखा है जो मटेरियल जो है उनके सामने रखा गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से उस सारे प्रोसिक्यूशन के मटेरियल को देखते हुए उन्होंने ये पाया है कि गवाहों की जो गवाही है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं और उसके साथ जो इवैल्यूएशन है असेट्स का जिस भी तरह से वैल्यूएशन हुआ है वो प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं था तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है जयललिता को जो है सजा नहीं दी जा सकती इसी वजह से जो है उन्होंने निचली अदालत के ऑर्डर को सेटिसाइड किया है बिल्कुल और जो है उनको जो है बिल्कुल एक चीज आर्या साहब और मैं पूछना चाहूंगा जानकारी लेना चाहूंगा इस पे कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारा उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो उसमें बदलाव करे और उस एक्ट के हिसाब से यदि आप किसी भी मामले में अगर आप दोषी करार दिए जाते हैं तो आपकी सदस्यता जो है वो चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा की वो तुरंत चली जाती है। लेकिन इस मामले में इस तरह के जो मामले होते हैं निचली अदालत ने आपको सजा दे दी आप
फिर अपील करने गए, सीनियर कोर्ट में गए, फिर वहां भी आपको मान लीजिए एक्विटल मिल गया, तो फिर किसकी बात को माना जाए? इस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में कोई ऐसी चीजें हैं साफ करने लायक? देखिए, दरअसल बात यह है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर तो बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, और अगर मान लो अपील एडमिट हो जाती है, सजा हो गई, अपील एडमिट हो गई, तो उस साल में जो है जो वो सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन दरअसल क्या है कि जयललिता के केस के अंदर तो एक्विटल है, यहाँ पर जो है वो बरी हुई हैं। जी, मैं सिर्फ जयललिता की केस की बात नहीं कर रहा, मैं इस एक्ट को थोड़ा समझना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी, कि क्या इस तरीके का, अगर निचली अदालत में आपने आपको दोषी करार दिया और ऊपरी अदालत में आपकी अपील पेंडिंग है, तो क्या इसमें आपका रिप्रेजेंटेशन जो है खत्म कर दिया जाता है? तो वो सही है कि गलत है? क्योंकि मान लीजिए वो चीज तो आप लौटा के दे नहीं सकती आप किसी को, अगर आपने निचली अदालत के फैसले के आधार पे आपने सदस्यता रद्द कर दी और फिर ऊपरी अदालत ने आपको बरी कर दिया, तो उसकी सदस्यता जो चली गई एक साल, जो वो सदस्य नहीं रहा, वो आप लौटा तो नहीं सकते, कोर्ट कोई लौटा नहीं सकता, तो क्या इसमें, इन हालात के अंदर जो है क्या होता है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर जो है बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर निचली अदालत ने आपको सजा दे दी है तो उसकी आपने अपील वो कर दी है, और आपकी कन्विक्शन को अभी जो है जो स्टे कर दिया गया है, जब तक आपकी कन्विक्शन को स्टे नहीं होता, मान लो कई बार आपकी जो है खाली जो है सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन स्टे नहीं हुई, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन को भी स्टे कर दिया गया है और आपकी सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया है, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है आपकी सदस्यता जो कि त्यों बनी रहेगी। जी, जयललिता के केस में जैसा है कि निचली अदालत में जैसे ही उनको दोषी करार दिया, निचली अदालत ने तो आदेश दिया था ना कि वो जो है अब जो है मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेगी, बिल्कुल उन्होंने अपनी जजमेंट में ही ऐसा लिखा था, जो वो लिखा था कि अब वो जो है, अब वो तो उसी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के आधार पे ही उनकी सत्ता उन्होंने लिखा था, तो उसी वजह से उसका आदर करते हुए देखिए ये जाना था। तो क्या आपको लगता है कि इस एक्ट पे अभी और भी गुंजाइश है सुधार करने की या इसको और क्लियर करना? वो तो पार्लियामेंट के हाथ में है, अगर पार्लियामेंट समझती है कि इसके अंदर जो है पूरी तरह से जो है, अगर ट्रायल के दौरान ही जो है, अगर मान लो चार्ज फ्रेम हो गई, चार्ज फ्रेम करने के बाद ही जो है अगर सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो फिर उस सर्कमस्टांसिस के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की अमेंडमेंट लानी होगी, और जब अगर मान लो चार्जेस फ्रेम हो गए, ट्रायल अभी चल रहा है, तो चार्जेस फ्रेम करने का मतलब यह है कि किन मुद्दों पर जो है ट्रायल चलना है, और फिर जो है जब ट्रायल चल रहा है तब तक हम उसको इनोसेंट मानते हैं। इवन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स के अंदर ये बात बड़ा क्लियरली वो कर दी है कि जब तक कन्विक्शन ना हो जाए तो वो जो प्रिजम्पशन लॉ की है कि वो व्यक्ति जो कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है वो इनोसेंट है, और उस व्यक्ति को जो है इनोसेंट मान करके ही जो है उसके साथ में बर्ताव किया जाना चाहिए जी। और अगर इस बात को ध्यान में रखते हैं तो अगर वो जो इनोसेंट वाली जो बात है उसके बाद जो है कोर्ट ने डिसाइड करना है कि वो जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं, जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, अगर प्रोसिक्यूशन जो है प्रूव कर देता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर ही उनको कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन धर्मेंद्र जी, यहाँ पर जो सरकारी वकील हैं उनका कहना यह है कि उन्हें मौखिक दलील रखने का तो मौका ही नहीं दिया गया। देखिए, दरअसल बात यह है कि अगर उनकी कोई ग्रीवेंसीज है, अगर वो कहते हैं कि उनकी ये दलीलें जो है कोर्ट ने कंसीडर ही नहीं की है और उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया है और उनको सुनवाई का पूरा मौका ही नहीं दिया, उनको जो है कोर्ट के सामने वो सारे तथ्य प्रस्तुत करने का मौका ही नहीं दिया, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है उनको कोई नहीं रोकता माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर। मुझे लगता है इस केस में पहले से ही निर्देश दिया था हाई कोर्ट ने, जो वकील है सरकारी वकील है उनको, कि आप लिखित ही अपनी बात रख सकते हैं, शायद इस तरीके की भी जो खबर आई है, हमारे पास पुख्ता जानकारी, लेकिन जो खबरें मैं पढ़ रहा था अभी, तो उसमें ये भी एक खबर आई थी कि उनको जो सरकारी वकील हैं उनको था कि आप अपनी जो भी बात है, जो भी दलील कर देना चाहते हैं वो आप लिखित में दें, वहां मौखिक दलील देने की कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं क्योंकि क्या है, रिटर्न आर्गूमेंट्स का जो है ट्रेंड है जी, कोर्ट्स के अंदर हम अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स भी देते हैं, और अगर मान लो रिटर्न आर्गूमेंट्स तो और ज्यादा पुख्ता जो है वो हो जाता है कि किसी चीज को जो है फिर कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपने एक बार अपने अगर सारे के सारे जो है आर्गुमेंट्स लिख करके कोर्ट को दे दिए हैं, हाँ, तो आप चेंज नहीं कर सकते सर्कमस्टांसिस के अंदर, तो उसको तो बदला ही नहीं जा सकता, और जिन जिन बातों को आज कोर्ट ने नजरअंदाज किया है उन सारी बातों को जो है आप अगर सोचते हैं कि नहीं इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट, मान लिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP फाइल की जानी चाहिए, तो आपको कोई जो है रोकता नहीं है, आप जो है
गवर्नमेंट को वो सारे के सारे जो है अपनी जो है कमेंट लिख करके दीजिए, और अगर गवर्नमेंट आपकी बातों से सहमत होती है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो सरकार जो है अपील फाइल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं, मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, जो अम्मा है यानी कि जयललिता है, उनका कहना है कि ये राजनीतिक साजिश थी डीएम के द्वारा, उनके द्वारा ये साजिश में मुझे फंसाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये तो जो जयललिता है वो इसी तरीके का बयान देगी, क्योंकि पहले भी जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे, और जो अगर तमिलनाडु की राजनीति को आप देखेंगे, वहां की जो रीजनल राजनीति है वो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में ही चलती है, और जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगते रहते हैं। इसलिए इसको मैं कोई ज्यादा सीरियस या गंभीर बयान जो है वो मैं नहीं मानता हूं। लेकिन एक चीज यहां पर जरूर है कि अगर इस फैसले को आप राजनीतिक चश्मे से आप देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जयललिता का पुनर्जन्म हुआ है, और एक बार फिर से, क्योंकि आपको याद होगा कि जब निचली अदालत में जयललिता को सजा हुई थी तो उसके बाद से पूरे राज्य में किस तरीके के रिएक्शन आए थे। 266 लोगों ने आत्महत्या की थी, 266 लोगों ने सुसाइड किया था, जो कि एआईडीएमके के कार्यकर्ता थे और अम्मा के चाहने वाले थे। तो इस फैसले से कम ये तो जरूर है कि इक्विटल, क्योंकि जो भी आर्ग्यूमेंट, जो भी फैसला दिया है हाईकोर्ट ने, अपने आर्गुमेंट्स रखे हैं उसने, और जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे कि रिटेन आर्गुमेंट, यानी रिटेन आर्गुमेंट देकर के, शायद आर्या साहब मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रिटेन आर्गुमेंट लेने के पीछे कहीं मंशा यह तो नहीं थी कि बाद में जिस तरीके से अभी चर्चा हो रही है मीडिया में, बाद में और भी एनालाइज करेंगे लोग इस फैसले को, तो कहीं बाद में हाईकोर्ट पर उंगलियां ना उठे, इसलिए उन्होंने जो दलील थी वो रिटेन में ले लिया कि भाई इस आधार पर हमने, क्योंकि जो भी फैसला तैयार किया गया है 909 पेजेस के हैं, आलोचना यह हो रही है 10 सेकंड में फैसला दे दिया गया, लेकिन यह भी तो सही है कि जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे तो जजेस के हिसाब से ही तैयार किए होंगे, तो सारी चीजें तो उनको पता, उनके दिमाग में होगी, और जो कंक्लूजन है वो 10 सेकंड में या एक मिनट में जो है कंक्लूजन उन्होंने बता दिया कि 909 पेज का जो ये फैसला है उसका कंक्लूजन यह है कि उनको एक्विटल दिया जाता है, उनको बरी किया जाता है। देखिए दरअसल बात यह है, इस बात के बारे में तो किसी तरह का कोई संशय नहीं करना चाहिए कि वहां जो है 10 सेकंड के अंदर ही जो है कोर्ट ने अपना निर्णय जो है प्रोनाउंस कर दिया। कहीं पर भी लॉ के अंदर ये नहीं लिखा गया कि कितने समय तक जो है निर्णय प्रोनाउंस करना है और क्या प्रोनाउंस करना है। देखिए दरअसल बात यह है, वो जो है ना ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर जो है कोर्ट के सामने जो है कोर्ट में पढ़ा जाता है, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर तो उन्होंने पढ़ दिया। बिल्कुल, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि 909 पेज ही जो है वहां जो है ओपन कोर्ट के अंदर निर्णय सुनाते हुए वो पढ़े जाए। केवल मात्र जो है जितने भी हाई कोर्ट के अंदर हम रोजाना देखते हैं, जो केवल मात्र जो है ऑपरेटिव पार्ट जो है ऑर्डर का वो पढ़ा जाता है, और ऑपरेटिव पार्ट ही जो है वहां पर पढ़ा है। और जहां तक रही बात जो है रिटर्न आर्गुमेंट्स देने की बात है, रिटर्न आर्गुमेंट्स के में सबसे बड़ा फायदा तो प्रोसिक्यूशन को है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन जिन बातों पर रिलाई करना चाहता था, जो तथ्य कोर्ट के सामने रखना चाहता था, वो सारे के सारे लिख करके उन्होंने जो है कोर्ट के सामने रख दिए। अगर मान लो कोर्ट ने जो है किसी तरह से उन सारे तथ्यों को नजरअंदाज किया है तो प्रोसिक्यूशन को एक फायदा और हो गया कि वो जो है सारी जो बातें उनकी नजरअंदाज की गई हैं और जो है कंसीडर नहीं की गई, उन सारी बातों को लेकर के वो आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं। ये तो ज्यादा अच्छा है रिटर्न आर्गुमेंट्स में, क्योंकि मौखिक आर्गुमेंट्स जो होते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोर्ट के ध्यान में कई बातें नहीं रहती हैं, और अनइंटेंशनली भी जो है कुछ चीजें छूट जाती हैं, कई बार जो है ध्यान में नहीं रह पाती हैं जो है वो सारी चीजें जो है, लेकिन रिटर्न आर्गुमेंट जो है वो तो पूरी तरह से जो है पुख्ता सबूत हो जाता है कि ये बातें जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई थी कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने इन सारी बातों को, इन सारी दलीलों को जो है नजरअंदाज किया है। बिल्कुल, तो जयललिता पर आए कोर्ट के इस फैसले पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। The judges take everything into consideration, not only on the one aspect, on several aspects, and the criminal conspiracy theory I totally disagree, because that 120B does not attract to the case, and if that is struck down, that has been thrashed out on the defense arguments, surely there is a positive chance for Madam Dr. Jayalalitha to get acquitted on merits, and because the Supreme Court has categorically said that the lower courts must pass proper orders when it deals with corruption cases. जी हाँ, मैं उनको बधाई देती हूँ। अब कोर्ट ने तय किया है और कोर्ट ने कहा है कि, और वो जो बहुत जल्द मुख्यमंत्री फिर से बनेगी, और
यहाँ भी बहुत सेलिब्रेशन हो रही है हाउस में, बहुत सारे लोग मिठाई विठाई बांटते हैं, तो हम भी बधाई देते हैं। अम्मा को बधाई है कि उनके उनके रास्ते में, मुझे लगा कि उनका रास्ता, उन पर जो आरोप थे उच्च न्यायालय ने उस पर गंभीरता से विचार किया, उन्हें उससे पूरी तरह बरी किया, इसके लिए बधाई। मुझे लगता है कि जिस तरह का उनके प्रति वहाँ जनाधार है, लगाव है लोगों का, और जिस तरह उनके रिहा होने के बाद आम तमिलनाडु में कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, इसलिए लगता है कि उनका जनाधार कायम है, मजबूती से कायम है। आपको जो टैग लगा हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन का, वो खत्म हो गया, लेकिन आप क्या होगा उनको, जो चाहे वो एमपी रहे हों चाहे एमएलए रहे हों, वो तो रेस्टोर नहीं कर सकते आप। एक अजीब सी सिचुएशन इससे पैदा हो जाती है। अब मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट करती है तो क्या होगा? ये एक जो प्रावधान 8(4) का बना हुआ था, और जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक स्थिति पैदा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं एक अनोमलस सिचुएशन। प्रकाश मीर चंदानी जी, आपसे सीधा सवाल और अस्पष्ट जवाब मैं चाहूंगी, जयललिता पर कोर्ट के आए इस फैसले के बाद बीजेपी को फायदा या नुकसान? नहीं नहीं, देखिए यहाँ फायदे और नुकसान की बात नहीं है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में के साथ कोई अन्याय हो रहा था। देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं वही कहना चाह रहा हूँ, राजनीति के माध्यम से ही, कई कारण से मैं आपके टीवी चैनल पर बैठा हूँ। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है और कोर्ट ने कोई निर्णय किया, अभी जैसे हमारे एक साथी कह रहे थे कि सुप्रीम, किसी की मैं बाइट सुन रहा था विपक्ष की, कि वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उनको तो ये विचार ही नहीं किया उन्होंने कि यहाँ पर लोअर कोर्ट ने जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था लगभग 12-13% का उनका बताया था जी, और जबकि सुप्रीम कोर्ट तो 20% तक की अनुमति दे चुका है। बिल्कुल। अब ये उसके बाद इसने को भी कोर्ट ने अनुमति नहीं दी है मीर चंदानी साहब, वो आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन किया गया है जो 20% स्वीकार हुआ ना। हाँ, स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? वो बिल्कुल कोर्ट नहीं, कोर्ट और सरकार में अंतर, कोर्ट और सरकार में काफी अंतर है। आप मेरे भाई, हर सरकार के कार्यप्रणाली के ऊपर शासन और अपना सारी कोर्ट स्वतंत्र होती है, अगर आप कोई गलत निर्णय कर लेते हैं तो आप उसको कोर्ट निश्चित रूप से आप चले जाएंगे तो कोई भी PIL लगेगी तो सीधे डायरेक्शन मिलता है। मीर चंदानी जी, आपसे सवाल ये किया गया था कि जयललिता के वापस आने से तमिलनाडु में आपको राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जयललिता जैसा कह रही है कि वो पहले भी चुनाव करा सकती है। राजनीतिक पे बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल है, आपको नुकसान होगा या फायदा होगा ये सीधा बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति फायदे और नुकसान के लिए नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति इसलिए करती है कि जनता की सेवा करना है। आज जो हिंदुस्तान तो आपको जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा क्या नहीं, आप यही बता दीजिए, क्या जनता आपको मौका देगी सेवा करने का? देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता को साधन के रूप में इस्तेमाल करती है और उसमें साधन कोई भी हो सकता है। क्या जयललिता जी से हमारी कोई राजनीतिक दुश्मनी है या कोई अलग चीजें हैं क्या? जी बहुत अच्छा काम बिल्कुल जी, प्रकाश जी माफ कीजिएगा, जी बिल्कुल प्रकाश जी माफ कीजिएगा, जी प्रकाश जी माफ कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एनसीपी नेता शिव प्रताप जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रताप जी आपका वंदे मातरम में। धन्यवाद धन्यवाद। शिव प्रताप जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहेंगे कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने पर। देखिए यह सवाल है अपने देश की न्यायपालिका व्यवस्था पर जी, तो इस पर हमें न्याय पर विश्वास होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, अगर उनके अगेंस्ट जब जयललिता जी के अगेंस्ट जब आया था अदालत का जो है जो फैसला आया था जी, वो भी हमें मानना चाहिए, और यदि उनके उनके बरी होने की बात आई है तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था है। तो जयललिता जी को अगर बरी किया गया है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं यह कोर्ट का मामला है और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए जी। शुक्रिया आपका इस बयान के लिए, और हालांकि पॉलिटिकल सर्किल से जो बयान आ रहे हैं वो इसी तरीके होंगे, और कोई भी इस, चूंकि ये सही में हाईकोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के खिलाफ
कोई भी नहीं जाना चाहेगा, हम भी नहीं जाना चाहेंगे। और हम भी यहां चर्चा ये नहीं कर रहे हैं कि उनको एक्विटल क्यों हुआ, हम उस ग्राउंड की बात कर रहे हैं और हम उसके जो लीगल पक्ष हैं, लीगल के उतार चढ़ाव हैं उस पर बात कर रहे हैं। और आर्या साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी जो कांग्रेस के लीगल सेल के जो नेता थे मित्तल साहब भी वही बात कर रहे थे कि सीधे तौर पे जो इक्विटल अगर की जाती है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के परिप्रेक्ष्य में वो बात कर रहे थे कि अगर इक्विटल कर देती है और निचली अदालत जो है उनको सजा दे दी होती है, उस समय उनको सीधे हटा दिया जाता है उनके पद से, तो क्या इसकी भरपाई के लिए कोई कोर्ट में जा सकता है कि नहीं? देखिए, दरअसल बात यह है कि अगर मान लो जैसे निचली अदालत ने आदेश दिया था और उसके बाद जो है अब जो है हो सकता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया हो कि अब उसके बाद जो है वो दोनों ही जगह अगर चाहें तो उनकी मेंबरशिप भी एज इट इज जो है बरकरार रह सकती है और वो जो है चीफ मिनिस्टर के पद पे भी अगर जाना चाहे तो जा सकती हैं। जी, अगर कोई वो, क्योंकि क्या है कि अभी मैंने पूरे निर्णय की प्रति नहीं पढ़ी तो इस बारे में जो है किसी भी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने, मैं ये कह रहा हूँ क्या इसमें गुंजाइश है कि इस आर्टिकल पे और विचार किया जाए, क्योंकि एक उदाहरण मैं और देता हूँ। अगर कोई एमपी या एमएलए चुन लिया जाता है और उसके बाद जो अपोनेंट जो कि दूसरे नंबर पे होता है वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है या चुनाव आयोग में जाता है कि जो ये जो जीत हुई है, चाहे वो 500 वोट से हुई हो, 400 वोट से या 2-4 वोटों से अगर जीता है, तो उसमें काउंटिंग की गड़बड़ी है या उसमें कुछ जो है गड़बड़ी हुई है जिसके आधार पर जो है चुनाव को रद्द किया जाए या फिर से काउंटिंग कराई जाए। इस बात का फैसला होते होते 5 साल बीत जाता है और 5 साल के बाद फैसला जो है उस व्यक्ति के पक्ष में आता है जो शिकायतकर्ता होता है, यानी 5 साल तक जिसे विधायक होना चाहिए थे इस फैसले के मुताबिक वो विधायक नहीं होकर के एक दूसरा व्यक्ति जिसे पब्लिक ने नहीं चुना है वो 5 साल तक जो है वहां पर रिप्रेजेंटेशन देता है जनता का। तो क्या ये जो दूसरा व्यक्ति जो कि शिकायत करता है, ये उसके प्रति जो अन्याय हुआ है इसके लिए कुछ कोई उपाय है कि नहीं या कोई नियम है कि नहीं अदालत में, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, दरअसल बात यह है ज्यादा से ज्यादा इतना किया जा सकता है कि अदालत जो है चाहे तो उसको कंपनसेट करा सकती है, अदरवाइज उसके अलावा तो कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि क्या है कि मामला लंबित था अदालत के अंदर, जो समय लगा अदालत ने लिया और उसके बाद अदालत ने जब निर्णय दिया तब तक जो है वो कार्यकाल ही समाप्त हो चुका होता है। कई केसेस में ऐसा देखने में आया है, जॉर्ज फर्नांडिस के मामले में, कई केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन दरअसल अभी तक कोई मेरे ध्यान में संज्ञान में कोई ऐसा निर्णय, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो है जॉर्ज फर्नांडिस जब दूसरी बार मुजफ्फरपुर से जीते थे तो उनके खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी पांडे जी थे, मैं पूरा नाम उनका भूल रहा हूं, उन्होंने कोर्ट में जाकर के दावा किया था कि इन जो जॉर्ज फर्नांडिस की जीत जो है वो सही तरीके से नहीं है, इन्होंने हेराफेरी करी है काउंटिंग में। 5 साल के बाद फैसला भी आया था जिसमें उनकी शिकायत को सही माना गया था, लेकिन तब तक तो समय बीत गया था तो वो आज तक सांसद नहीं बन पाए, वो तो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो सांसद नहीं बन पाए। कई और भी इस तरह के जो है कई केसेस देखे गए हैं, लेकिन अभी तक क्या कंपनसेट होना चाहिए या क्या किया गया है उस तरह का कोई निर्णय आया नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुकेश जी, एक तरफ जहां हम जो है ललिता के राजनीतिक पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस दौरान इस बीच कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं इस फैसले के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है। बिल्कुल, अगर उन्हें फिर से ऊपरी अदालत में चैलेंज करते हैं और उसके बाद से अगर फैसला जो भी आए, लेकिन जब अगर ऊपरी अदालत में अपील हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसका असर तो होगा, क्योंकि इसी का पॉलिटिकल फायदा तो उठाया ही जाएगा, क्योंकि जब चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियां ये तो जरूर कहेगी कि करप्शन के जिस मामले में इन्हें एक्विटल मिला था वो ऊंचली जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अभी भी जो है पेंडिंग है या मामला चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसका पॉलिटिकल जो है असर तो उनकी करियर पे पड़ेगा ही है, जो अभी एक तरह से क्लीन स्वीप जैसी स्थिति है, बिल्कुल एक्विटल हो गया है और पूरे जिस तरह की बता रहे थे नेता कि कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं है इसके खिलाफ, जयललिता के खिलाफ, यानी करुणानिधि की जो पार्टी है उनकी तरफ से बयान तो जरूर आ रहा है, लेकिन कोई जनता की तरफ से कोई रिएक्शन जो है उस तरीके का नहीं है, सभी ने स्वागत किया है इस मामले का। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नुकसान तो थोड़ा उनको होगा और अंदर से अंदर वो भी लगी, जयललिता को भी ये पर्सनली जरूर फील होगा कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है। लेकिन एक बड़ा नुकसान डीएमके के लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए, दरअसल बात यह तब होगा जब लीव ग्रांट हो जाती है, क्योंकि क्या है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी फाइल की जाती है
और एसएलपी फाइल होने के बाद दोनों पक्ष जाकर के वहां आर्ग्यू करते हैं। आर्ग्यू करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट कर लेती है, हाँ बिल्कुल, वो जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर लीव ग्रांट कर देती है बेल को अपील फाइल करने के लिए, तो उस सर्कमस्टांसिस में तो समझ लो कि थोड़ा सा एक धक्के वाली बात हो जाती है। अदरवाइज जो है अगर मान लो वो जो है कच्ची पेशी पे यानी कि बिगनिंग में ही जो है उसको डिसमिस कर दिया जाता है, तब किसी भी तरह का कोई उसको जो है धक्का नहीं लगता। जी चलिए, वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी से भी खास बातचीत की, हमारे संवाददाता सुन लेते हैं। कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी हैं। प्रमोद जी, अम्मा फिर से बाहर आ चुकी है, क्या कहेंगे आप? ये न्यायिक प्रक्रिया है, एक अदालत ने उन्हें सजा दी थी, उससे ऊपर की अदालत ने यह पाया कि वो सजा गलत थी, उन्होंने उन्हें मुक्त कर दिया है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये न्याय में न्यायिक फैसला है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इतने कह सकता हूँ कि न्याय को अपना काम करना चाहिए। पिछले दिनों सलमान खान की जो बेल थी चर्चा का विषय थी, अब अम्मा को भी बेल मिल गई, कहीं ना कहीं लोगों के बीच संदेश तो ये जा रहा है कि जो लोग आम से थोड़ा खास है उनको खास तवज्जो मिल रही है। मैं नहीं समझता, सलमान खान को जो बेल मिली थी बिल्कुल ठीक मिली थी, 7 साल से कम की सजा थी, 5 साल की सजा थी, सामान्यता 7 साल से नीचे दी जा सकती है। जब वो जमानत पर थे उन्होंने उसका दुरुपयोग नहीं किया था। अम्मा के संदर्भ में भी, क्योंकि जब तक मैं फैसले को पढ़ना लूं तब तक न्यायालय का जो भी फैसला आया है उस सर आंखों पे। जो चुनाव है, अब आने वाले चुनाव है, उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा इस बात का कि अम्मा अब बाहर है और अब पूरी तेजी के साथ लोगों के बीच जाएंगी? देखिए, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ना क्या नहीं फर्क पड़ना ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मतदाता बताएंगे। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात की जाए तो अभी तक खुलकर नहीं आ रही, हालांकि इसे न्यायिक प्रक्रिया कहा जा रहा है, न्यायालय के फैसले पर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं है। ठीक है, फिलहाल एक दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। जी हेलो, मैं क्रिस्टीना बोल रही हूँ दिल्ली से जी। और ये जयललिता जी जो अभी जेल से बाहर निकली है और अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि ये इतने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, इतने आरोप लगते हैं, इतने आरोप करते हैं ये लोग, काम इतना भ्रष्टाचार का करते हैं, फिर उसके बाद भी ये जनता की सेवा के लिए मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे, ऐसा क्यों होता है? जब खुद ही अच्छे नहीं है तो ये देश का भला क्या करेंगे? देखिए, आरोप लगना ही अपने आप में काफी नहीं है जी, आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप को सिद्ध करना सबसे बड़ी बात है। अब उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में कामयाब नहीं रहा जी, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है उन्हें बरी किया जाता है जी। तो जो खाली आरोप लग जाने की मात्र से जो है इस भावना वश आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आरोप लग गए भ्रष्टाचार के, तो उस बेसिस के ऊपर जो है उनको जो है पद पे रहने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, या राजनीतिक रूप से जो है कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए अदालतें बनी है, आरोप तो लगा दिए, बिल्कुल कंप्लेंट फाइल हो गई, लेकिन उसके बाद उन आरोप को सिद्ध करने के लिए ही अदालतें बनी है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका निर्णय तो अदालत ही करती है, और जो अदालत ने एक निर्णय लिया, एक अदालत ने सजा कर दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने जो है उनको बरी कर दिया, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है हमें उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, अब प्रकाश मीर चंदानी जी के पास जाएंगे, एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे। मीर चंदानी साहब, चुनाव आने वाले हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी भी वहां चुनाव में उतरेगी, लेकिन क्या पिछले चुनावों की तरह जिस तरीके से जयललिता के भ्रष्टाचार वाले मामले को आप लोग काफी जोर शोर से उठाते थे, करुणानिधि भी उठाते थे, मैं केवल आपकी बात नहीं करूंगा, दोनों पार्टियां जो भी विपक्ष में थी सभी पार्टियां उठाती थी, क्या इस फैसले के बाद से जब चुनाव होंगे तो जयललिता पे आप लोग भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो लगाना बंद कर देंगे पॉलिटिकली? देखिए, जयललिता जी की जो पार्टी है वो हमारी विपक्षी पार्टी है जी। चुनाव के समय में निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें आती हैं और तत्कालिक मुद्दे जो होते हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगर कोर्ट ने उनको अभी निर्दोष साबित किया है तो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन उसके अंदर की जो बहुत सारी बातें होती हैं, या उस राज्य में जो जनता को सुविधाएं मिलना चाहिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, जो तमाम चीजें होती हैं जो राज्य सरकारों के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, अगर वो सारी चीजें अगर ठीक हैं तो ठीक अलग विषय बनेगा,
देश का मुद्दा भी बन सकता है, और अगर लगता है कि स्थानीय विषय को मद्देनजर रखते हुए अगर चुनाव में हम ज्यादा वोट पा सकते हैं और जीत सकते हैं तो वो विषय भी रखा जा सकता है, वो मुद्दे भी हो सकते हैं। मतलब करप्शन का मुद्दा, करप्शन का जो मुद्दा था पिछले लोकसभा में, करप्शन का जो मुद्दा था, पूरा मेरा प्रश्न पूरा सुन लीजिए आप कि करप्शन का जो मुद्दा था पिछले लोकसभा चुनाव में, अब अदालत ने कह दिया जो भाई वो एक्विटल हो गई है, अब करप्शन वो करप्ट नहीं है, यानी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो आरोप लगाया जा रहा था उनसे वो आरोप गलत लग रहे थे। इस फैसला से ये भी एक संदेश जाता है कि वो आरोप गलत लग रहे थे, तो क्या बीजेपी अब करप्शन के मामले नहीं उठाएगी जयललिता के खिलाफ, ये सीधा सा सवाल है। देखिए एक बात समझ लीजिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में भी करप्शन का मुद्दा उठा था और करप्शन के मुद्दे पिछले विधानसभा में जो ना उठे थे तो वो इसमें नहीं उठेंगे ना। आप सुनिए ना, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, आप पर्टिकुलर करप्शन की बात कर रहे हैं, जहां तक वो विषय एक अलग हो गया जो अभी उसका निर्णय आ गया जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव में केवल करप्शन ही अकेला एक मुद्दा नहीं होता है, सुशासन भी होता है। समझ रहा हूं, मैं भी समझ रहा हूं, दर्शक भी समझ रहे हैं, अकेला मुद्दा नहीं होता। मैंने अकेला एक इस मुद्दे की बात करी, आप कह रहे हैं नहीं हम नहीं उठाएंगे, जब कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं आप उठाएंगे। नहीं नहीं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं तो इस फैसले को मत उठा, कोर्ट ने ही तो कहा है कि वो करप्ट नहीं है, फिर कोर्ट ने एक्विटल दे दिया। करप्शन क्या एक अकेली उनकी उन्होंने नहीं किया, क्या उनके बाकी के पार्टी के जो उनके मंत्री गण हैं बाकी नेता के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है ना, वीर चंदानी साहब नेता के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है ना, जब नेता जब ईमानदार है तो नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे समझ पाएंगे। नहीं आप बताइए, क्या आप सुनेंगे तो समझ, ठीक है बताइए। सुनने कह रहा हूँ कि ये भी एक करप्शन है जी। कि एक अयोग्य व्यक्ति को अपने सत्ता के उतरने के बाद एक अयोग्य व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए और कैडर के पीछे से आप शासन करिए, ये भी करप्शन है। अच्छा, तो आप इस करप्शन को लेके जाएंगे, सकता है कि अगर आप नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, देखिए चुनाव का विषय तो मतलब अब चुनाव में आप इस करप्शन को लेके जाएंगे, लेकिन उनकी सारी नहीं, आप उनकी सारी उनके सैंडल की चर्चा नहीं करेंगे, उनकी सारी उनके सैंडल उनके मकान उनकी संपत्ति उनका बैंक अकाउंट ये चर्चा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, देखिए ये तो उनके व्यक्ति की साड़ी सैंडल और जो उनके प्रसादन के जो साधन है जो संसाधन है ये व्यक्ति का निजी मामला हो जाता है। नहीं नहीं, आप जब आरोप लगा रहे थे पिछले चुनाव में तो यही कह रहे थे ना, निश्चित उनके पास 10,000 जूतियां हैं, 2,00,000 साड़ियां हैं और क्या क्या जो आरोप लगाए जा रहे थे उनपे, कोर्ट ने तो ध्यान ही नहीं दिया उनको। कम से कम इस चुनाव में आप कम से कम जब सम्मान कर रहे हैं इस फैसले का तो कम से कम इस चुनाव में ये चीजें तो नहीं उठेंगी मुझे लग रहा है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, इस फैसले को आप चुनाव को साथ जोड़ेंगे तो ये उपयुक्त नहीं है, ये न्याय की बात नहीं। बिल्कुल भाई, अगर चुनाव से तो जोड़ना ही पड़ेगा चंदानी भाई, अगर उनको एक्विटल नहीं होता तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म था, उनका पॉलिटिकल करियर खत्म था। और आपके लिए तो बिल्कुल खुला रास्ता था, वहां पे तो राजनीति से अलग तो बिल्कुल ही नहीं, जब पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में कोई फैसला आता है तो पॉलिटिक्स से अलग उसकी चर्चा नहीं हो सकती। आज भी हमारे लिए वहां पर खुला रास्ता है, कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार जो देश का उद्धार करना चाहती है, जो उत्थान करना चाहती है, जो प्रगति करना चाहती है, तो निश्चित रूप से करना। आज जो तमिलनाडु भी हमारे देश का राज्य है, हमको उसको भी समग्र मेक इन इंडिया का जो नारा दिया है किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। मेक इन इंडिया करप्शन के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ भी एजेंडा है आपका, भारतीय जनता करप्शन और ब्लैक मनी भी आपका आपके एजेंडे में है। बिल्कुल है। करप्शन प्रमुख मुद्दा है, जीरो टॉलरेंस रहेगा, किसी भी सूरत में एक नए पैसे का भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल सीधा सवाल, सीधा सा हाँ और ना में जवाब दीजिए आप। और व्यक्तिगत नहीं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, व्यक्तिगत लाभ और दूसरे तरीके से भी लाभ अर्जित करने का जो सीधा पैसे से सरोकार नहीं रखता, हम उसको भी करप्शन मानते हैं। बिल्कुल, मैं तो कह रहा ठीक है आप उसको करप्शन मानिए, उस मामले को उठाइए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ जो पिछले चुनाव में जिस तरीके के आरोप, जिस आरोप से अभी बरी हो गई है, वो कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, क्या उस आरोप को तो आप नहीं लगाएंगे ना, कम से कम इतना तो कह दीजिए। नहीं, देखिए फिर वही बात कर रहे हैं आप, बहुत सारी मैं वही का, आप तो फैसले का स्वागत कर रहे हैं तभी मैं पूछ रहा हूँ, आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप फैसला तो यही हुआ है कि भाई वो करप्ट नहीं है, अगर कोई निर्णय देता है। देखिए हिंदुस्तान में मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कानून का राज है, और कानून का राज है सबको पता है, शुरू करो कानून का राज है सबको पता है, आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं ये भी सबको पता है। अच्छा आप मेरी बात समझ लीजिए कि क्या इस पूरे मामले में
जयललिता के ऊपर जो मामला लगा था प्याय से अधिक संपत्ति का मामला, इसमें क्या आंकड़ों की दावेदारी नहीं थी? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते आपको अब पता चल रहा है? सत्ताधारी जब कोर्ट ने बता दिया तब पता चल रहा था, चुनाव में जब उनके खिलाफ बोल रहे थे तब पता नहीं चल रहा था आपको? आखिरी आखिरी बाजी है ये, हम उस समय एक्यूटल हो गया था, आप तो मान लीजिए। नहीं नहीं ये आप देखिए, ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। नहीं आप क्यों, सच कोई कह सकता है? मीर चंदानी साहब सच बोलने के लिए मीडिया में आने की जरूरत नहीं है, नेता भी सच बोलते हैं। बिल्कुल, बहुत नेता सच बोलते हैं। समझ लीजिए प्रकाश जी, प्रकाश जी माफ जी, बिल्कुल प्रकाश जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। एक बार वही जेडीयू सांसद अली अनवर से भी हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने खास बातचीत की है, पहले वो सुन लेते हैं। जेडीयू के सांसद अली अनवर हैं, यह जनता के बीच क्या संदेश जाएगा ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले। अब देखिए, अब हाई कोर्ट 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 है, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, और उस पर क्या टिप्पणी की जाए। जिस तरह से जितना जल्दी ये सब हुआ है तो कई तरह के सवाल को तो जन्म देता ही है। इस पर देखना चाहिए कि न्यायपालिका पर जो विश्वास है लोगों का वह नहीं उठ जाए, देखना चाहिए। इट इज टू अर्ली कि कोई इस तरह की बात, अभी एक है कौन जाता है, क्या कोर्ट का रुख रहता है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको वेट किया जाना चाहिए। जयललिता फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी तो राजनीतिक हालात जो है वो कितने बदलेंगे तमिलनाडु के? जाहिर है उनके लोग में उत्साह तो आया है, उनके लोगों में काफी खुशी है और उनको वहाँ फायदा हो सकता है। राजनीति में तो सहमत चलते रहता है, ऊपर नीचे लोग आते रहते हैं, देखना है कि क्या रुख लेता है, अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। जी प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय की बेहद कमी है। बीजेपी का आगे क्या कुछ स्टैंड रहेगा, चुनाव अगर आ जाते हैं इसी साल अगर आ जाते हैं या अगले साल भी आते हैं तो फिर बीजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा उस दौरान? नहीं नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से स्टैंड ये रहा है, सुशासन गुड गवर्नेंस, इस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी उन चुनाव में जाने वाले हैं। और जिस तरीके से बेहतर सर्विस दी जा सकती है प्रत्येक व्यक्ति को, जयललिता निश्चित रूप से वहां स्थापित नेता हैं। और मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी गुंजाइशें होती है राजनीति में, जैसे कहा कि स्पेशल लोग जो है उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, ऐसा नहीं है। स्पेशल लोगों को बहुत सारी समय पे बहुत सारी बात भोगना भी पड़ती है। तो ये कहना कि आम आदमी के लिए कानून अलग है और स्पेशल आदमी के लिए कानून अलग है, ये मैं इस बात को उपयुक्त नहीं मानता। चुनाव के समय में निश्चित रूप से विपक्षी दल हैं हम, और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से तमिलनाडु में इस बार हमारी सरकार बनेगी। जी मुकेश जी, फाइनल कमेंट आपसे भी। मैं तो ये चाहूंगा, मैं आर्या साहब से इस पर जानना चाहूंगा कि जब कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है उनको करप्शन के केस में, फिर अगर राजनीति चुनाव के दौरान यदि कोई पार्टी आरोप लगाती है तो क्या इसमें सजा हो सकती है उनको? मानहानि का मामला तो बनेगा ही इसमें। नहीं देखिए, दरअसल बात यह, जहां तक बात है मानहानि की, मानहानि का तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है, उसे तो कोई भी नहीं रोकता। बिल्कुल, क्योंकि मानहानि का कानून जो है बड़ा स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के सम्मान को अगर कोई दूसरा व्यक्ति ठेस पहुंचाता है और उसके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई ठेस होती है तो वो कभी भी जाकर के अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है कि इस व्यक्ति की इस टिप्पणी के कारण जो है मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है और मुझे इस तरीके से लोगों में जो है अपमानित होना पड़ा है, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर उसमें कोई नहीं रोकता। बिल्कुल, तो जी, लेकिन आज की स्थिति जो है वो बड़ी स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जयललिता जी को बाइज्जत बरी किया है, तो आज तो स्थिति यही ही मानी जाएगी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप जो है बेबुनियाद है और एक बड़ी राहत की तरह से देखा जा रहा है जयललिता के लिए जो ये फैसला आया है। चलिए फिलहाल शुक्रिया धर्मेंद्र आर्य जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रकाश मीरचंदानी जी जो की बीजेपी प्रवक्ता है भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा आए गए इस फैसले के बाद एक बड़ी राहत जयललिता के लिए मानी जा रही है, साथ ही साथ राजनीतिक पुनर्जन्म भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे चलकर क्या कुछ जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसमें बदलाव आ पाता है। फिलहाल वंदे मातरम में आज के लिए बस इतना ही, आपको छोड़े जाते हैं पब्लिक पंचेस के साथ, नमस्कार। सर्कस का
रात्रि शो समाप्त हो चुका था। काफी देर बाद भी जब रिंग मास्टर अपने तंबू में नहीं पहुंचा, तो उसकी पत्नी को चिंता हुई। वो उसे खोजने निकली तो देखा कि रिंग मास्टर शेर वाले कटघरे में खर्राटे ले रहा है। ये देखते ही पत्नी चिल्लाई, अच्छा मुझसे डर कर यहाँ घुसे पड़े हो, कायर कहीं के, बाहर तो आओ। एक अंधा सड़क पर भीख मांग रहा था। एक बाबूजी ने उससे कहा, तुम जवान आदमी हो, तुम्हारे अंधे होने का क्या सबूत है तुम्हारे पास? अंधा बोला, बाबूजी ये तो सामने दो पेड़ हैं, आप उन्हें देख रहे हैं? बाबूजी बोले, हाँ देख रहा हूँ। अंधा बोला, पर ये पेड़ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए, ये भी बदली वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखार।